वाओ, कितने प्यारे हनुमान जी हैं। हाय फ्रेंड्स, जय श्री राम। आज है रामनवमी और मैं चला रामनवमी शोभा यात्रा की तरफ। मैं जैसे शोभा यात्रा में पहुंचा, वहां पे देखा बहुत ही प्यारे हनुमान जी का फ्लाइंग वे बनाया था, जो कि हनुमान जी उस पर उड़ रहे थे। उन्होंने अपने गदा ली थी, जैसे कि जब लंका जा रहे थे सीता माता को देखने के लिए, ढूंढने के लिए, उस समय जैसे हनुमान जी ने गदा और अपने हाथ को बढ़ा के समुद्र नहांगा था, वैसे ही सेम टू सेम का दृश्य था। और वहाँ पे जितने भी लोग थे, सब लोग इतने प्यारे से श्री राम का नारा लगा रहे थे और सभी लोगों ने अपने अपने मोबाइल ऊपर करके उनका वीडियो बनाना चालू कर दिया। आप देख सकते हो, जितनी पब्लिक थी उतनी पब्लिक, कम से कम नहीं तो 10,000 पब्लिक थी। उसमें से जितनी पब्लिक खड़ी थी, आप देख सकते हो, लेडीज जेंट्स सब ने अपना अपना मोबाइल खोला और सब ने वीडियो चालू कर दिया। बहुत ही प्यारा दृश्य था और इतना अच्छा उड़ते हुए दिख रहे थे। और जितना फैन था ना, ऐसा उनके नीचे खड़ा था, ऐसा लग रहा था कि अरे बाप रे बाप, मैं किसी हेलीकॉप्टर के नीचे आ गया। तो वहाँ पे बहुत ही प्यारा मजा। उसके जस्ट आगे निकला था एक छोटा सा बच्चा, देखो एक अपना कला दिखा रहा था, जिसने अपने हाथ में देखो रॉड लिया हुआ है स्टील का, कितना एक हाथ से कैसा मस्त घुमा रहा था वो। उन्हीं के सामने एक बड़े भैया भी थे, वो भी अपना मस्त मतलब कला दिखा रहे थे, मतलब वो घुमा घुमा के, वो रॉड को घुमा घुमा के वो अच्छा दिखा रहा था। तो मैंने उनको देखते रह गया। उसके बाद देखो, हमारे यहाँ पे डीजे भी था रामनवमी में, शोभा यात्रा में डीजे में लोग कितने प्यारे नाच रहे थे। प्रभु श्री राम का नारा और प्रभु श्री राम का गाना बज रहा था, उसमें सब लोग धूम इतने प्यारे मगन थे कि ऐसा लग रहा है कि बस थोड़े ही समय बाकी है हमारे हिंदू राष्ट्र को, भारत को हिंदू राष्ट्र बनने के लिए। भाई कसम से बहुत प्यारा, इतना मजा आ गया ना एकदम। ये देखो, एक भैया हमारे तो कौन सा कपाल था, वो आए थे शंकर भगवान का, वो जो आर्ट करने के लिए, उनके पास से कपाल लेके अपने सिर पे अपने लगा के मस्ती कर रहे थे। कितना प्यारा दृश्य था देखो। और कितने नाना, तो कम से कम 10,000 से ऊपर की पब्लिक थी, सब इतना एंजॉय कर रहे थे डीजे वगैरह में, इतने भगवा झंडे लग रहे थे। जब सब झंडे पे जय श्री राम का नारा और जय श्री राम के फोटो थे और हनुमान जी के फोटो थे और सब पे जय श्री राम लिखा हुआ था, पब्लिक इतनी मस्त थी, इतनी मगन थी। रामनवमी के दिन प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। और पहली बात तो ये कि कई वर्षों के बाद हमारे प्रभु श्री राम अपने खुद के मंदिर में गए, एक खुद के घर पे गए, एक उन अपना टेंट, उनका जो टेंट था, जो लोगों ने उनको टेंट पे रखा था, वो टेंट छोड़ के अपने घर में गए। उसका एक अलग ही लोगों को जोश था, एक अलग ही उनको उत्साह थी कि प्रभु श्री राम का जन्मदिन है। उसके बाद वहाँ पे हमारे यहाँ पे लोगों ने कहा कि एक काम करो, अभी सब बैठ जाते हैं और बैठने के बाद हम लोग हनुमान चालीसा का वो पाठ करेंगे। तो लोगों ने बोला ठीक है ठीक है, सब लोग ने खुद से कॉपरेट किया। आप देख सकते हो कितने लोग प्यार से बैठने लग गए, सब बैठने लग गए। और भी जितने भी भैया लोग थे, दोस्त लोग थे, फ्रेंड लोग थे, सब लोग एक दूसरे को कॉपरेट किए, बोले भैया आप नीचे बैठ जाओ, आप सब लोग नीचे बैठ जाओ। तो उसके बाद उसमें तो कुछ, फिर उसमें डांस भी चालू हो गया उसी में। तो हम लोग ने बोला ठीक है, डांस तो करना ही है लेकिन हनुमान चालीसा भी पढ़ना ही था हमको। तो हम लोग ने बोला ठीक है, तो अभी थोड़ा डांस कर लो, फिर उसके बाद हम लोग वापस हनुमान चालीसा लगाते हैं। तो हनुमान चालीसा जितने भी है, पूरे क्राउड एक साथ में पूरे मिल के गाना गाएंगे, पूरा प्रभु का, श्री राम का और इसका, बजरंग बली का सब करेंगे और हनुमान चालीसा बोलेंगे। तो हम लोग उसके बाद हनुमान चालीसा के लिए हम लोग ने डीजे वाले भैया को बोला, भैया एक काम करो, आप थोड़ा हनुमान चालीसा लगाओ, हम हनुमान चालीसा सब लोग मिल के गाएंगे। तो हनुमान चालीसा जैसे ही लगा, लोगों ने देखा तो हनुमान चालीसा का गाना चल ही रहा था पूरा। हनुमान चालीसा मतलब जो भी 10 मिनट का हनुमान चालीसा होता है, सब लोग मिल के वहाँ पे बैठ के सब लोग ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। और बोलते ना हमारे यहाँ पे एक नाका है, नाका कम से कम बहुत बड़ा नाका, उसमें हनुमान चालीसा के पाठ में सब लोग बैठ के हनुमान चालीसा पढ़े, झंडा लहराए, बजरंग बली का मतलब बहुत सारे, सब जितने भी मित्र थे छोटे बड़े, वहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं कि खाली एक ही चीज़ था, हम हिंदू है और हम हिंदू है, हम हिंदू है, हम हिंदू है। सबको जिसको देखो उसको खाली एक ही नारा लग रहा था, जय श्री राम।
राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का नारा कर। और बहुत ही प्यारा था वो कि जो हनुमान जी जो फ्लाइंग हो रहे थे ना, वो जो हवा में रात में, तो उनके ऊपर लाइट लग गई थी यार, वो तो कुछ अलग ही एकदम नज़ारा होगा था। बहुत ही प्यारा अद्भुत नज़ारा था। इतने लोग सब बैठ के, जितने थे ऑटोमेटिकली सब बैठ के, कोई झंडा लहरा रहा, कोई बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। बोलते डीजे में हनुमान चालीसा, एक बार आप लोग यहाँ पे कभी कुछ रहेगा तो डीजे में हनुमान चालीसा लगा के उसका आनंद लो, आप लोगों को बहुत ही प्यारा आनंद मिलेगा। कि डीजे के बाद डीजे में जो हनुमान चालीसा बजता है ना, तो एक ही बहुत प्यारा लगता है। और वैसे भी मैं तो रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग भी रोज़ हनुमान चालीसा एक बार दिन में पढ़ना चाहिए सुबह सुबह, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अपने डेली लाइफ पे और बहुत अच्छा भगवान जी का आशीर्वाद रहता है अपने ऊपर फ्रेंड्स। तो आज रामनवमी के इतना बहुत ही मज़ा आया, मुझे तो बहुत मज़ा आया। और हमारे यहाँ पे वो शंकर भगवान का जो रोल्स वगैरह करते वो लोग भी आए थे, आप देखो कितना मस्त उन लोग ने रोल किया था, एकदम प्यारा एकदम। ये तो मेरे पास वीडियो नहीं था, लेकिन मैंने एक मेरे दोस्त को बोला भैया तू वीडियो सेंड कर दे, तो उसने बोला ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ पे था और ये लोग आगे थोड़ा प्रो उसमें वो कर रहे थे, तो एक उन लोगों का भी एक अद्भुत ही वो था एकदम। वो तो भैया एक को तो देखा भैया डीजल मुँह में लेने के बाद फूंक दिए, और वाह इनका तो बोले टैलेंट और कुछ, एक तो ऐसे ऐसे लग रहे थे ना एकदम प्यार, एकदम प्यारा माहौल था, बहुत ही प्यारा। ऐसा लगा ना कि परसों के बाद प्रभु श्री राम अपने महल में गए, बहुत आनंद लगा, बहुत हर साल से ज़्यादा इस साल मज़ा आया। और मैंने मेरे तरफ से छोटा सा एक प्रोग्राम रखा था, जितने भी मतलब शोभा यात्रा वाले थे उन लोगों के लिए फ्री में छाछ वाटर रखा था, जो कि मैंने सबको पिलाया निःशुल्क। फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ब्लॉग आका अच्छा लगा रहे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग संतोष पांडे ब्लॉग।